गुड मॉर्निंग। वी स्टडी अबाउट नंबर इन आवर प्रीवियस क्लासेज। वी लर्न सम रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लुरल नाउन्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी कैन चेंज द सिंगुलर नाउन इन टू प्लुरल नाउन बाय सम रूल्स। टूडे वी विल अप्लाई द रूल्स ऑन दीज वर्ड्स एंड ट्राई टू मेक दीज वर्ड्स प्लुरल। जैसे कि यहां सब लिखे हुए हैं, नेवी, हाउस, बेंच, आर्मी, बॉय, नाइफ, रूफ, ऑक्स, वुमेन, ऐसे। अब वो कहता है कि हमें इनके बहुवचन बनाने हैं, मेक प्लुरल। इट मीन्स ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। अब इनको जब बनाएंगे प्लुरल तो इट मीन्स हमें वो सारे रूल्स जो हमने पहले सीखे हुए हैं वो हमें याद होने चाहिए। अब हम इनको अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड है नेवी। अब हमें क्या देखना है, इसके एंड में वाई आ रहा है। अब जिसके एंड में वाई हो तो वाई के अपने पास टू रूल्स थे, वाई और प्रिसीडेड बाय वोवल्स और प्रिसीडेड बाय कंसोनेंट। अब देखना इसके पहले जो आया है वी, ये कौन है? उत्तर आएगा ये कंसोनेंट है। इसी में एक शब्द और है, देखो वहां पर भी वाई आ रहा है और इस वाई के पहले कौन है? ए। ए कौन है? वोवल है। ये हमारे पास ये टू रूल्स थे कि अगर कोई शब्द जिसके अंत में वाई आता है तो हमारे पास दो नियम थे, एक वाई के पहले वोवल हो और एक वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो। वाई के पहले वोवल ए ई आई ओ यू, और ये नहीं है तो कॉन्सोनेंट है। तो हमें पहले इसको देखते हैं, अगर वाई के पहले आता है वोवल तो क्या लगाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एस, तो क्या हो जाएगा? ई डबल एस ए वाई एस, ये बन गया। लेकिन y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे? y को हटाएंगे तो क्या बन गया? n a v, y हट गया और y के जगह लगा देंगे i और जोड़ देंगे e s, नेवीज। ये पहला नियम था। अब आता है हाउस। अब इसका अंत देखना है, e आ रहा है, s आ रहा है, जिसके अंत में e आए तो उसमें s लगना है, तो क्या जाएगा? हाउसेज। बेंच क्या रहा है? सी एच, तो कौन सा नियम है? वो नाउन जिसके एंड में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ आता है तो क्या ऐड करते हैं? ई एस करते हैं, तो क्या जाएगा? बी ई एन सी एच ई एस, बेंचेज। क्या जाएगा? बेंचेज। उसी प्रकार फिर आया आर्मी, वही भाई वाला, तो y के पहले देखना है m कौन है, m कॉन्सोनेंट है तो y को हटा देंगे तो क्या जाएगा? a r m i e s, armies। बॉय कोई सेम वे नहीं है, y के पहले o आ रहा है, o कौन है? वोवल है, तो क्या लग जाएगा? s, तो b o y s। अब यहां देखें नाइफ, एफ ई आ रहा है तो एस अनाउंस जिसके अंत में एफ या एफ ई आता है तो एफ और एफ ई को हटा करके क्या कर करते हैं? वी ई एस, तो क्या जाएगा? के एन आई वी ई एस। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जैसे कि रूफ, जिसके अंत में एफ और एफ ई आता है लेकिन उसके बावजूद भी हम एफ और एफ ई को नहीं हटाते, वो मैंने कहा था एक्सेप्शन है जो हमें याद करने थे। तो अब क्या होगा? इसका केवल रूफ का रूफ, रूफ, हूफ, चीफ, ब्लीफ, क्लीफ, सेफ, ये छह वर्ड थे याद करने वाले। अब आया ऑक्स, वो शब्द में से जहां केवल एक ही वर्ड ऐसा लगता है ई एन, ऑक्सन। और वुमेन तो क्या लगा? जिसमें इनसाइड वोवल को चेंज करेंगे यानी ए, क्या लगा? ई, तो क्या लगा? डब्ल्यू ओ एम ई एन। तो इस प्रकार
हमें अगर वो नियम याद हैं और वो किस प्रकार अप्लाई करें तो इस प्रकार हम उनको बदल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको फिर लिखना है, फिर हम कुछ वर्ड और लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। लीजिए वर्ड, कुछ और वर्ड। मैंगो, स्टोरी, स्टोरी, चाइल्ड, फिश। क्लास, ऑरेंज, हॉर्स, हम बोल लेते हैं 10 वर्ड, इनका चेंज करते हैं फिर देखते हैं आगे। अब यहां भी देखेंगे अपन, ओ तो हमें देखना है कि ऐसा कोई नियम था जहां उन्हें ओ की बात की थी। उत्तराय का फर्स्ट नियम था कि ऐसे कोई नाउन जिसके अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ आता है लगाना है ई एस। एक नियम और भी था जो मैं लिखा है नहीं, ऐसा कोई नाउन जिसके अंत में डबल ओ आ जाता है, बंबू, देखना इधर अल लिख रहा हूं मैं, बी ए एम बी डबल ओ, तो क्यों लाएगा एस। रेडियो, फोटो, ये हमें याद रखने, इसमें ऐसे आएगा ये नहीं आएगा, तो वो भी अपन देख सकते हैं। अब देखना है स्टोरी, वही वाई के नियम, देखो यहां पर भी वाई है और यहां पर भी वाई है और उच्चारण भी है कि स्टोरी स्टोरी, लेकिन स्पेलिंग को थोड़ा नोटिस करें और देखें क्या फर्क है। एस टी ओ आर ई वाई और एस टी ओ आर वाई, यहां तो आर है और ऊपर ई है। स्टोरी मतलब मंजिल, कि मेरा जो घर है एक स्टोरी है, टू स्टोरी है, थ्री स्टोरी का है, इस प्रकार। तो जब वही नियम वाई के पहले अगर वोवल है ए ई आई ओ यू तो सिर्फ एस आएगा, तो क्या हो जाएगा एस टी ओ आर ई वाई एस। लेकिन अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या नियम था, वाई को रिमूव करेंगे और आई एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा एस टी ओ आर आई एस। वो चीज हमें याद भी कर लेनी कुछ शब्दों को, ऑक्स वाला, चाइल्ड का, मैन, वीमेन, जिसके इनसाइड वर्ड चेंज होते हैं वो वाले। अब देखें चाइल्ड का चिल्ड्रन, फिश, वो नाउन जिसके बोथ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एक से रहते हैं, फिश का फिश रहेगा, फिशेज नहीं होगा। सेफ का सेफ्स होगा, वही नियम है कि आ तो रहा है एफ ई, अगर एफ और एफ ई आता है तो लगाते हैं वी एस, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है। आ रहा है डबल एस तो ई एस, एस डबल एस एस एच वाला, ऑरेंज जिसके अंत में ई आता है तो एस आएगा,
हॉर्स है वही बात, ई है तो एस ही आएगा। और टूथ वो वर्ड है जिसके इनसाइड वॉवल चेंज होगी, तो क्या होगा टूथ का टीथ। तो इस प्रकार ये जो हमारा था चैप्टर नंबर, जो बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, लेकिन हर एग्जाम में चाहे 8th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 6th 7th क्लास के जो एग्जाम होते हैं, चाहे असेसमेंट है, चाहे हाफ ईयरली एनुअल है, उनसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो अब और भी क्वेश्चन होंगे, और भी वर्ड होंगे, आप उनको सॉल्व करें। और हमारे किताब में जहाँ भी ऐसे शब्द आते हैं जिसके अंत में एस और ई एस है, वो कौन है प्लुरल है, उसको आप बनाए सिंगुलर, ऐसा भी कर सकते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।